अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला कांस्टेबल मीनाक्षी वर्मा को एक दिन की गृह मंत्री बनाया गया। यह महिला कांस्टेबल गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के निवास कार्यालय पर सुरक्षा व्यवस्था में तैनात है। उन्होंने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपनी सीट पर बैठाया। मीनाक्षी ने नरोत्तम मिश्रा की तरह जनता की समस्याओं को सुनकर OSD को कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने महिला कांस्टेबल मीनाक्षी वर्मा को सम्मानित किया। यह सम्मान मीनाक्षी वर्मा के लिए सबसे बड़ा था, क्योंकि महिला दिवस उनके लिए इस कदर यादगार रहेगा यह उन्हें सोचा भी नहीं था। जब उन्हें पता चला कि आज उन्हें एक दिन के लिए नरोत्तम मिश्रा की तरह काम करने का मौका मिलेगा तो वह हैरान रह गई। मीनाक्षी वर्मा ने जनता की समस्याओं को सुना और OSD AGDP अशोक अवस्थी को निराकरण के लिए निर्देशित किया। आज हमारी बिटिया मीनाक्षी गृह मंत्री के रूप में है आपके सामने। सुबह की जो मेरी समस्याओं का लगता है समाधान, वो उसने बहुत गंभीरता से सुनी भी और निराकरण के निर्देश भी दिए। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और ये भारत ही है जहां नारी को पूजा जाता है। माँ महात्मा और परमात्मा, इनका महत्व भारत की संस्कृति में प्रारंभ से रहा है, इसलिए हम भारत को माता कहते हैं। हमें ताकत चाहिए तो दुर्गा जी के पास जाएं, विद्या चाहिए सरस्वती माँ के पास जाएं, लक्ष्मी पैसा चाहिए लक्ष्मी माँ के पास जाएं। विश्व के अंदर भारत एकमात्र ऐसा देश है जो जिसे माता कहते हैं, भारत माता। आपने कभी सुना कि पाकिस्तान को फादर कहा, चीन को डैडी कहा, होलुलुलु को फादर कहा, कभी सुना ही नहीं होगा आपने। ये सिर्फ भारत ही है जहाँ नारी की पूजा होती है। कहावते यस्य नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी का सम्मान जहाँ है, संस्कृति का उत्थान वहाँ है। और इसलिए आज मातृशक्ति के रूप में, नारी शक्ति के रूप में मैंने अपने दिन की शुरुआत बिटिया मीनाक्षी को यह स्थान देके एक संकेत देने की कोशिश की है कि आप अपार शक्ति की भंडार हैं, आप अबला नहीं सबला हैं, और इसलिए आगे आओ और हम सब मिलके समाज के उत्थान में अपना संपूर्ण और बराबरी का योगदान दें। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत TV को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।